गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सो आज का लेक्चर हमारा है राइबोसोम्स के ऊपर। छोटा सा लेक्चर है, लेकिन मैंने अलग से इसको लेना ठीक समझा, क्योंकि आप लोगों को आजकल 1 मिनट के अंदर में सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, ठीक है? यू आर नॉट अलाउइंग योर सेल्फ टू स्टडी स्लो एंड स्टडी डीप फॉर एनी टॉपिक। अब उसका क्या निगेटिव इम्प्लीकेशन है, शायद आपको बाद में पता चलेगा। तब तो आप अपनी जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी आपकी, उसको ये समझाएंगे। एनीवे, सो अभी मैंने लास्ट लेक्चर में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिक के बारे में ऐसे ही बताया पावर पॉइंट के थ्रू, और इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं एनसीईआरटी बंद कर दिया हूँ तो यहाँ नहीं मिलेंगे। एवरीथिंग यू विल फाइंड हेयर ओनली। सो राइबोसोम्स, राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं तो राइबोसोम क्या है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना है, क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है? यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं होती है कोई भी। और राइबोसोम से एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है और यूकैरियोट में भी पाया जाता है, समझ रहे ना? और इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब सोचिए कि प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है और राइबोसोम्स उनको बनाता है, ठीक है? तो इसका इम्पोर्टेंस जो है क्या है आप समझ लीजिए। और यहीं पे दिख रहा है बैकग्राउंड में आपको कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट, आगे हम आके देखते हैं। चलिए, सो ये आपका है स्ट्रक्चर ओवरऑल कि कहाँ कैसे प्रेजेंट होता है राइबोसोम। सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम का डायरेक्ट प्रेजेंट ऐसे नहीं होता है। हाँ, हालांकि बनाने का जो वहाँ स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम जो बनता है, ठीक है, उसके लिए न्यूक्लियोलस में रिस्पॉन्सिबल जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो होता है, ठीक है? ओके, सो इसका लोकेशन देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे दिख रहा है आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे बिखरे भी रहते हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं ना? तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियस, जो आपको ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इसमें ये ओपनिंग है ना, तो ये ओपनिंग जो होती है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, एनपीसी। क्या है? एनपीसी, सॉरी, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसका स्ट्रक्चर हमको यहाँ पढ़ना नहीं ना, तो हम पढ़ाएंगे। बहुत डिटेल स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, आप लोगों को तो खाली यही देख के डर जाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। किसका है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर यहाँ से आप अगर ऑब्जर्व, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें ये लेवल, तो ये वाला देखिए, इधर राइबोसोम्स नहीं दिख रहे हैं। ये दाना दाना जो दिख रहा है ना ऐसे, ये दाना दाना इधर नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो जिधर दाना प्रेजेंट है इसको हम बोल देते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? और जिधर दाना नहीं प्रेजेंट है इसको बोल देते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो हमने जैसा शुरू में बताया कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन दी प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है? तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इसका इन्वॉल्वमेंट प्रोटीन सिंथेसिस से होगा, और जो स्मूथ होता है जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये लिपिड सिंथेसिस से, ठीक है? इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो लिपिड की सिंथेसिस में होता है। और बहुत सारा, क्योंकि यहाँ से जो एमआरएनए बन के आ रहा है ना, इधर ही आएगा, इसी राइबोसोम पे वो क्या करेगा, राइबोसोम यहीं पे वो अपना काम करेंगे। तो राइबोसोम का अगर हम प्रेजेंस देखते हैं ना कहीं पे भी, तो राइबोसोम्स हमेशा ऐसे नहीं पड़ा होता है कि ये ऐसे राइबोसोम पड़ा हुआ है, ठीक है? जैसे नॉर्मली हम राइबोसोम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये लार्ज है, ये छोटा है, ठीक है? ये लार्ज है, ये स्मॉल है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है? तो ये हमेशा ज्वाइन फॉर्म में नहीं रहते। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये अंदर सेल के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है रियल में, और ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको ये वाली, ये क्या है? दिस इज एम आर एन ए एक्चुअली, ठीक है? एम आर एन ए है, एम आर एन ए के ऊपर ये राइबोसोम देखिए आ रहे हैं, ये लार्ज वाला है और ये स्मॉल वाला है, और यहीं पे जब अटैच होते हैं, अटैच होने के बाद ये प्रोसेसिंग करते हैं और ये एमआरएनए से ये क्या करते हैं बताइए? अरे, ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, सिंपल सी बात है। क्लियर है कि नहीं कहानी? हाँ, क्लियर होनी चाहिए कहानी।
और ये स्ट्रक्चर तो हमने पहले पढ़ा है, ये स्ट्रक्चर पॉलीसोम का है। एक ही देखिए mRNA पे ढेर सारे राइबोसोम लटके हुए हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम, और ये प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। ओके, सो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, अभी हमने जैसे बताया सारा, इतना ही है आपको राइबोसोम के बारे में जानना। तो ये देखिए लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट, और ये दोनों सब यूनिट अलग अलग प्रेजेंट होती हैं। जब इनको प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है तो ये कंबाइंड होती हैं। समझ में आ रहा है? जब इनको ज़रूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस की तो ये कंबाइंड होती हैं। और सबसे पहला अटैचमेंट जो एमआरएनए के साथ होता है, मान लीजिए कि ये एमआरएनए है, सबसे पहला अटैचमेंट स्मॉल सब यूनिट का होता है, और उसके बाद फिर लार्ज सब यूनिट जो होती है ये आती है, इट कम्स लेटर। ठीक है, तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लीजिए। क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल बता दिए, तो ये दोनों में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया। ग्रेनुलर होगा, मतलब दाने की तरह दिखेगा। अभी हमने देखा, जैसे यहाँ पे देखिए दाने की तरह दिख रहा है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, यस, तो ऐसे दिखता है। और हमेशा ये अटैच फॉर्म में नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म में भी इधर उधर ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। पहली बार इसको किसने ऑब्जर्व किया ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जॉर्ज पैलेड ने किया था 1953 में, 1953 में जॉर्ज पैलेड ने किया था पहली बार, किससे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ये भी ध्यान रखना है, लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है ऐसे। कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर दो है, स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब ये बना किससे होता है, दो चीज़ें होती हैं, प्रोटीन और आरएनए से, और इसी में होता है एंजाइम, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम जो कि किससे बना होता है, आरएनए से, और ये क्या शो करता है, कैटलिटिक एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, कैटलिटिक एक्टिविटी शो करता है कब, पेप्टाइड ट्रांसफर करने के लिए। तो पेप्टाइडिल नाम क्या है इसका, पेप्टाइडिल, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल या पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये राइबोजाइम है, और यही डिस्कवर जब हुआ था राइबोजाइम, कैटालिटिक एक्टिविटी डिस्कवर हुई थी, तब ये पता चला कि भैया ऑल एंजाइम्स, पहले इसके था ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन जैसे ये डिस्कवर हो गया तब आ गया वर्ड ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको बुक में भी मिलेगा ये, एक्सेप्ट राइबोजाइम। अब आज के समय में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट आर प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, पहले का ये कॉन्सेप्ट था। ये मैं लिख दूं क्या आपको, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये पहले का कॉन्सेप्ट था, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये पहले का था, लेकिन अभी ये लाइन में चेंजेस क्या हुआ है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट 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 राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम क्या होते हैं, आरएनए होते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है जो कि काम करते हैं, जैसे अदर एंजाइम करते हैं वैसे इनका काम होता है। तो स्ट्रक्चरल आरएनए इसमें होगा, और क्या होता है, 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं, ये हम बाद में जब पढ़ेंगे ना, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, स्पेशली इसमें भी जब प्रोटीन सिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे उसमें, ये जेनेटिक वाले में, तब उसमें क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, वहाँ मेंशन भी एनसीईआरटी में, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दिया है तो कहीं नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, 2023 में पूछा हुआ है, कितनी डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन होती है। बहुत सीधा सा सोचिए, 80 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन, एकदम सीधा क्वेश्चन है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं, दोनों में पाया जाता है, यहाँ हमने पहले ही बताया। तो यूकैरियोटिक अगर राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें आपको 80S टाइप का मिलेगा, और इसमें दो होते हैं, 60S होता है और 40S होता है। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो 70S होता है, 70S को जो दोनों यूनिट है ये है ना, तो दोनों यूनिट में एक को 50S बोलते हैं, एक को 30S बोलते हैं। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट हमेशा लार्ज वाला होगा, तो जैसे यहाँ पे है, अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं तो ये 60S हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 40S हो जाएगा। और ये S क्या है, S S एक्चुअली में स्वेडबर्ग यूनिट है ये,
जब हम इसको राइबोसोम के या सेल को, जब सेल ऑर्गेनेल को इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन देखे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा आरपीएम पे चलती है, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 जी आरपीएम पे चलती है, रोटेशन पर मिनट बहुत हाई स्पीड में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जितने पार्टिकल्स होते हैं वो अपने वेट साइज या जो स्ट्रक्चर है उनका डेंसिटी के बेसिस पे क्या होते हैं, वो सेटल होते हैं अलग अलग लेयर पे, अलग अलग पोजिशन पे। उसी के बेसिस पे इनको बोला गया है कि जब ये एक साथ होते हैं, एक साथ सेटलमेंट होता है, तो इनका प्रोकैरियोट वाले का 70 पे होता है और यूकैरियोट का 80 पे होता है। लेकिन अगर हम उनको ब्रेक करके अलग अलग देखते हैं, तो 80S वाले में 2 यूनिट है, तो एक 60S पे सेटल होता है, एक क्या होता है 40S पे, और 70S में एक 50S पे, एक 30S पे। तो इनको नॉर्मल एडिशन मत कर दीजिएगा, इट्स वेरी कॉमन मिस्टेक पीपल डू। तो ये सेडिमेंटेशन कोफिशियंट है, सेडिमेंटेशन का मतलब सेटल डाउन होना, क्लियर है कि नहीं। तो ये इनडायरेक्टली क्या मेजर कर रहा है, इनकी डेंसिटी या साइज मेजर कर रहा है। और इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, हमने एकदम स्टार्टिंग में बता दिया, क्यों, क्योंकि ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई चीज़ बन रही हो, ठीक है, समझ रहे हैं। नहीं, द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, अभी हमने शुरू में बताया है, ये कैटलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल बैक्टीरिया केस में है, गया 23SRRNA, जो कि कैटलिटिक एक्टिविटी शो करता है बैक्टीरियल एंजाइम, जिसको राइबोजाइम बोलते हैं। और ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसी को नाम क्या देते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। याद रखिएगा भाई, डिटेल इतना बता रहे हैं फिर भी याद नहीं रहेगा आप लोगों को, क्या बोलते हैं, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। और रूबिस्को के बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट एंजाइम है, मतलब अगर या तो राइबोजाइम की बात करेंगे तो ये एंजाइम है बायोस्फीयर में, क्लियर है। सो आज की कहानी यहीं पे फिनिश होगी, ये वाला स्ट्रक्चर हमने जो अभी बताया फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। अगर हम यूकैरियोट की बात करते हैं, तो दिस वाज आई टॉकिंग कि दिस इज 40S, अगर हम 80S की बात करते हैं तो, ठीक है, और ये यूकैरियोट में है, क्लियर है कि नहीं। और ये क्या है आपका, 60S है। जब जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती, ये देखिए हमारा एमआरएनए आया, एमआरएनए जब बन के न्यूक्लियस के अंदर से आया, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ से एमआरएनए बन के ऐसे निकल के आया, दिस इज एमआरएनए, मतलब प्रोसेसिंग के बाद पूरा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ ना, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन आपका यहाँ होता है, ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज न्यूक्लियस, ओके। सो एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले देखिए राइबोसोम कौन सा अटैच हुआ, दिस स्मॉल सब यूनिट, क्या है ये, स्मॉल सब यूनिट, ये अटैच हो जाएगा, तब लार्ज सब यूनिट आएगा, और लार्ज सब यूनिट में ये ईपीए साइट होती है, ईपीए, ठीक है, अमाइनो एसिड साइट, पेप्टाइड, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज या पेप्टाइड साइट, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और ये एग्जिट साइट है, मतलब इधर से टीआरएनए जो है ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो ये ऐसे ऐसे मूवमेंट आगे होता रहता है, ठीक है। टीआरएनए किसको लेके आता है, अमाइनो एसिड को लेके आता है, और यही अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ये है ना बायोमालिक्यूल में हम पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। सो ये कहानी यहीं खत्म होती है, ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे बताया है, बाकी पढ़ना आपको है, क्लियर है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे, और टॉपिक हमको लग रहा है कि ये बेहतर है और कम समय में थोड़ा हो रहा है आपके हिसाब से, और सूटेबल भी है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए।